मुजफ्फरनगर के जिला न्यायालय ने चौकी फूकने के मामले में 26 लोगों को आरोपी मानते हुए 5 साल की सजा के साथ 3000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को चौकी फूकने के मामले में दोषी मानते हुए न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने सजा सुनाई है। दरअसल सिखेड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने 8 मई 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव भंडूर निवासी सोहनबीर का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 अपहरणकर्ता निर्मल सिंह, सतनाम सिंह और जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में बंद कर दिया। इस पर 8 मई 2002 को हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और आरोपियों को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग की। आरोपियों को सौंपने की मांग पूरी न होने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर आग के हवाले कर दिया। क्या पूरा मामला था सर? ये 2002 में घटना हुई थी थाना सिखेड़ा में, जिसमें भंडूर जो चौकी थी उस पर पथराव हुआ था और उस पर उसको जला भी दिया गया था। उसमें मुकदमा कायम हुआ था कैदियों के खिलाफ। उसमें 147, 148, 436, 436, 332, 3 विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। कल अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 ने इन सभी 26 लोगों को इस घटना में दोषी पाया था और आज उसमें सजा घोषित हुई है। सभी 26 लोगों को जो है विभिन्न धाराओं में सजा हुई है, लेकिन मैक्सिमम सजा उसमें 5 साल की हुई है 436 धारा में, और 3000 रुपये का जुर्माना हुआ है और वो सभी को कल जेल भेज दिया गया था और आज उसको कल गिल्टी होल्ड करके आज सजा सुनाई गई है। वो सभी 26 लोगों को दोषी पाया गया था, उनको सजा की गई है 5 साल की, जुर्माना 3000 रुपये। सर 26, ठीक है सर। आपको बता दें कि लगभग पिछले 18 सालों से ये केस कोर्ट में लंबित चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए मुजफ्फरनगर की जिला न्यायालय ने सभी 26 अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुंवर पवार की रिपोर्ट।